नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। आज बात एक बेहद अहम मुद्दे पर, वो मुद्दा जिसका सरोकार हर किसी से है, आपसे है, हमसे है, हर किसी से है। दरअसल एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें जनसंख्या का डेटा बताया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासी उबाल परवान पर है। चुनाव में आबादी पर धर्म संकट की स्थिति हो गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदू आबादी में 8% तक की कमी आई है। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43% ज्यादा का इजाफे का दावा किया गया है। इसको लेकर अब चुनावी माहौल में सियासी पारा और बढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। चुनाव चढ़े परवान, रिपोर्ट से उठा तूफान। सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई। परेशान बढ़ रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार के ऊपर आरक्षण देंगे, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या में किसका आरक्षण भविष्य में काटते रहेंगे, SC ST OBC। चुनाव में सियासी उबाल, रिपोर्ट पर क्यों बवाल? और जो आंकड़े हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों हड़कंप है? कांग्रेस में कांग्रेस को क्यों आपत्ति लगती है इस रिपोर्ट पर? कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। घटे हिंदू, बढ़े मुसलमान, बढ़ा सियासी घमासान। और मैं सोचता हूं कि यह चिंता का विषय है, बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है। ये चुनाव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, धार्मिक भावनाओं को कुदेर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। बीच चुनाव में आबादी पर जारी की गई रिपोर्ट पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी में पलटवार जारी है। आखिर बढ़ती आबादी में हिंदुओं के घटने और मुस्लिम आबादी बढ़ने के क्या मायने हैं? आज इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा करेंगे। अब उस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं जिसमें दावा किया गया कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिख समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसी की संख्या में कमी आई है। तो देखिए, ये है हिंदू की आबादी 1950 की, 2015 का आंकड़ा क्या है वो आपको दिखाएंगे। हिंदू 84.68%, मुस्लिमों की आबादी 9.84% बढ़कर जो 2015 में हो गई है 14.09%, यानी कि 43.15% का इजाफा। हिंदुओं में 7.82% की गिरावट, ईसाइयों में भी इजाफा हुआ है, सिखों में भी इजाफा हुआ है, हिंदुओं में, हिंदुओं की आबादी में गिरावट। इन आंकड़ों के हिसाब से इस रिपोर्ट का दावा है ये। हम ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट पर दावा किया गया है, रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, वो सवाल देख लेते हैं एक बार। पहला सवाल, मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हम पूछेंगे, भारत की आबादी में क्यों घटे हिंदू, आखिरकार क्या वो कारण रहे? ये पहला सवाल रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा, आबादी वाली रिपोर्ट जब सामने आई तो उस पर सियासी बवाल क्यों मचा है? तीसरा सवाल रहेगा, बीच चुनाव जनसंख्या पर क्यों तनाव? 280 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 280, जी हाँ, इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब बीच चुनाव में रिपोर्ट सामने आई है जिस पर सियासी बवंडर उठा हुआ है। खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट पर जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र पटेल, पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरमन नगेले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक जहीरुद्दीन शेख हैं, AIMIM के नेता हैं और साथी
महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, बीच चुनाव में एक रिपोर्ट ने तूफान ला दिया है। देखिए अपर्णा जी, सवाल बीच चुनाव का नहीं है, ये पिछले 75 साल का 1950 से 2024-15 तक का सर्वे, लगभग 65 साल का सर्वे है। ये बता रहा है कि देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 8% कम हुई है और मुस्लिम आबादी लगभग 40% बढ़ी है। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है, और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का षड्यंत्र चल रही है देश के SC ST OBC के खिलाफ, कि उनका आरक्षण लूट कर मुसलमानों को देने की जो योजना है उसमें कांग्रेस इसी का काम करेगी और अपने फेवरेट वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। और अपर्णा जी, मजे की बात देखिए कि बाकी देश जो डिक्लेयर्ड मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है। भारत और नेपाल, जो नेपाल भारत और धर्मनिरपेक्ष देश, नेपाल डिक्लेयर्ड हिंदू नेशन है, दोनों राष्ट्रों में, दोनों देशों में हिंदू आबादी कम हो रही है। ये उस ओर इशारा करता है जो कांग्रेस पार्टी जहां जाना चाह रही है कि OBC SC ST का आरक्षण लूटो और मुसलमानों को दो। कांग्रेस पार्टी जिस अल्पसंख्यकों को बात करती है और उसके बहाने बात करती है कि मुसलमानों का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी सच्चर कमेटी लागू करने की बात करती है जिसमें मुसलमानों की बात है, कांग्रेस पार्टी रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात करती है जिसमें सिर्फ मुसलमानों की बात है, कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात करती है जो सिर्फ मुस्लिम समाज का होता है। ये अपर्याप्त है क्या? ये पर्याप्त है कांग्रेस का चेहरा दिखाने के लिए, तुष्टिकरण का घिनौना चेहरा। और आज एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। ये डेमोग्राफिक इम्बेलेंस रहा तो भारत को किस दिशा में कांग्रेस पार्टी लेकर जाना चाहती है, आज ये जानना चाहते हैं। जवाब शैलेंद्र पटेल जी देंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र पटेल जी, बीजेपी सवाल पूछ रही है, जिसने आपके मैनिफेस्टो को इस्लामिक लीग का मैनिफेस्टो बताया था, वो कह रहे कि किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं। शैलेंद्र जी, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हम तक। नहीं, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आपने अगर देखा होगा जो न्याय पत्र जो आया है, एक शब्द भी अगर उसमें मुस्लिम वर्ण लिखा हो तो आप बताइएगा, वो वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन मेरे काबिल दोस्त पंकज जी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सीधी और सच्ची बात है कि आज ये रिपोर्ट आई, उसे कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये रिपोर्ट 2015 तक की है, 2024 में क्यों आई, 9 साल पहले क्यों नहीं आई, इस दौरान क्यों नहीं आई, इसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल की बात होती है। जब चुनाव चल रहा है वहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने नरेंद्र मोदी जी का परसों का इंटरव्यू सुना होगा, वो एक तरफ कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ना बने, तो कहने की जो बात वो कह रहे हैं उसको कहीं और वोट बैंक की बात करते हैं, कभी ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इन सब बातों में कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पे आबादी और धर्म की बात उस तरीके से नहीं आती। दूसरी ओर अभी पंकज जी कह रहे थे कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहां पे भी घटी है, तो वहां पर तो कोई कांग्रेस या तो गई नहीं थी या बीजेपी ने नहीं कहा था। वो तो एक जो देश में, और हम सब लोग समझते हैं कि आज एक जो चेतना आई है परिवार थोड़ा छोटा हो ताकि सब लोग इक्वलिटी के साथ आगे बढ़ सके, और कहीं ना कहीं जो पहले बड़े बड़े परिवार होते थे एक जागृति टाइप भी आई पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं उस तरह की बात आई। हम दो हमारे दो ठीक है, जनसंख्या विस्फोट इसके जो दुष्प्रभाव है इन पर लगातार हम लोग बात पहले भी करते रहे हैं और बात होनी भी चाहिए क्योंकि संसाधन सीमित है। जहीरुद्दीन शेख साहब, आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये रिपोर्ट को आज ही चुनाव के पीरियड में लॉन्च करने का इनका क्या उद्देश्य है? इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं ये? अब देश में अल्पसंख्यक, बौद्ध, मुस्लिम और पारसियों की जो जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को सर्वे करवाना चाहिए, ना कि ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहिए। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई बता रहे थे कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है, सच्चर कमेटी लागू बात करने की बात कर रही है। भारत का मुसलमान का यहाँ पर आरक्षण का अधिकारी नहीं है,
सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट जो केस हुई है उसके अंदर आप देखेंगे कि मुसलमानों की हालत जो बताई जा रही है वो दलितों से बदतर है। कांग्रेस और भाजपा सिर्फ मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रही है, भाजपा हिंदुओं को मुसलमान के नाम पे डरा रही है, कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ प्रलोभन दे रही है और मुसलमान का दिन ब दिन शोषण होता जा रहा है। और इस तरह के आंकड़े पेश करके केंद्र सरकार अपनी विफलता को पेश कर रही है, कोई बड़ा काम नहीं करके केंद्र सरकार ने। ठीक है, 2015 तक के आंकड़े 2024 में सामने क्यों आ रहे हैं? बात यहां पर हिंदुओं की हो रही है। महामंडलेश्वर जी ये कह रहे हैं शेख साहब कि कांग्रेस ने तो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और बीजेपी मुसलमानों को हिंदुओं को डराने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन जो ये आंकड़े आए हैं जनसंख्या को लेकर कि हिंदुओं की आबादी में गिरावट, क्योंकि हिंदू समाज को दिशा दिखाने का काम करता है संत समाज, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं सीधी सी बात कहना चाहूंगा कि इसको किसी रिलीजियस इंटरेस्ट से ना देखें। ईएसी की एडवाइज है, ईएसी दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एक आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जब हम समग्र राष्ट्र की बात करेंगे तो हमारे समक्ष स्पष्ट है बांग्लादेशियों का जो हमारे यहाँ पर घुसपैठ हुई है, दैट वॉज विद द इंटरेस्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ओनली। यदि हमारी जनसंख्या की दर को प्रभावित करने के लिए घुसपैठ तक होता है तो ये बहुत लंबी एक असुरक्षा है। अब इसके अंदर हमें यह स्पष्ट देखना होगा कि हम अल्पसंख्यक कहें किसको। वैश्विक स्तर पर जितने अर्थविद हैं उनके हिसाब से अल्पसंख्यक की परिभाषा अलग है। हम हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर 14.02 की जो प्रतिशत की जो हिस्सेदारी रखते हैं हम उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो बड़ा वृहद विषय है जी। यदि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की जहां बात करते हैं वहीं पर कुछ लोग सिर्फ धार्मिक भाईचारे की बात करते हैं, यानी कि एक धर्म को लेकर के ब्रदरहुड की बात करते हैं, उचित नहीं है। इसको बेहद गंभीरता से लेना होगा। अभी कुछ लोगों ने कहा कि ये समय चुनावी है, लेट हो गए हम। 1950 से अभी तक का भले ही आकलन है, हमने चुनाव में भी इसको यदि रखा, परंतु ये अभी चिंतन कोई चुनाव का नहीं है, ये चिंतन राष्ट्रीय विकास का चिंतन है। कभी भी प्रस्तुत हुई है ईएसी की रिपोर्ट, हमें इस पे चिंतन करना चाहिए और बेहद गंभीरता से लेना चाहिए जी। और कैसे सामाजिक सुरक्षा में माइनॉरिटी है ये तो मुझे पता है, माइनॉरिटी के लोग चिंतन का विषय है, टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठेंगे ना सरवन नगेले जी, और इंटेंशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अपर्णा जी, जो बात बहुत पहले आदरणीय मोहन भागवत जी ने कही थी वो बात की पुष्टि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कर दी है, लेकिन क्या आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या मुख्य निर्वाचन आयोग है, क्या उनसे अनुमति ली है रिपोर्ट जारी करने के पहले? एक दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि ये रिपोर्ट आ गई है, अब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि अभी जो सरकार है वो कार्यवाहक सरकार है, कैबिनेट हो नहीं सकती, कैबिनेट में उसको अप्रूवल मिला नहीं जा सकता है, कैबिनेट के सदस्य एक साथ जुट नहीं सकते, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कैबिनेट जो है ना वो कोई ऐसे विषयों पर निर्णय नहीं ले सकती जो विषय किसी धर्म विशेष या कुछ बड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो तो चल सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, लेकिन ये विषय जो है ना बहुत गंभीर विषय है, ये संविधान से जुड़ा हुआ विषय है, ये चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ विषय है। मेरा यहाँ ये स्पष्ट मानना है कि क्या सेंसस हुआ है, क्या सेंसस के आधार पर ये सारी चीज़ें आई हैं, क्या आपने भारत के निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति ली है, क्या कैबिनेट में इसको पहले से कोई बातचीत हुई है, और यदि ये सारी चीज़ें हुई है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो ये जिस परिषद के माध्यम से रिपोर्ट आई है उसको हेड करना माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तो क्या उसकी वो अपनी इस बात की पुष्टि करेंगे कि मेरे से पूछकर मेरी सहमति से इसको जारी किया गया। और जिन देशों के साथ में इसकी तुलना की जा रही है वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, ऐसे तुलना करना जो है ना इतने बड़े 140 करोड़ के देश में कतई उचित नहीं है। और देखिए जो संख्या घट रही है बढ़ रही है ये किसी के भी कोई भी आ जाए, संजय गांधी जी ने एक कानून लेकर आए थे, क्या हुआ था, तो कोई किसी के नीति लाने से कानून लाने से कोई किसी की संख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी, ये सोसाइटी की दोष है, सोसाइटी पर इसको निर्णय लेना चाहिए। आज भी मैं कह सकता हूँ लालू यादव के कितने बच्चे हैं, मुलायम सिंह यादव के कितने बच्चे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं राजनीति में,
भाई आप एक से ज्यादा जिसके बच्चे होंगे उसको आप आयोग घोषित कर दीजिए ना आप, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे आप उसको नौकरी मत दीजिए, आप उसको चुनाव लड़ने से उसको आयोग कर दीजिए घोषित। तो ऐसी सारी चीजें हैं, इसके लिए क्या कैबिनेट में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, राज्यसभा में जाना पड़ेगा? ये बहुत गंभीर और एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे देश के जनमानस से कंसल्टेशन का विषय है, उनसे सिर्फ सतही तौर पर छूकर नहीं निकल सकते हैं, अंदर तक जाना होगा, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। पंकज जी, लेकिन जो बवाल मचा हुआ है, रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही है कि आप इन मुद्दों पर क्यों सवाल पूछ रहे हैं, मुद्दे तो कुछ और हैं, उन पर नहीं सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए अपर्णा जी, यदि आप वोट जिहाद की बात करो, हम सवाल ना पूछें। आप ओबीसी का कोटा लूटकर, एससी कोटा लूटकर मुसलमानों को दम, सवाल ना पूछे। आप कहो प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जी के देश के साधारण पहला अधिकार मुसलमानों का, हम सवाल ना पूछे। आप रंग भेद के आधार पर भारत को बांटने की बात करो, हम सवाल ना पूछे। आप विरासत कानून लाने की बात करो, हम सवाल ना पूछे। क्या मौन रखें? तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं पढ़ना जी कि 1950 से 2015 की रिपोर्ट, 65 साल में लगभग 57 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, देश के सामने रिपोर्ट सामने आई कि मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम बढ़ गई 44%, धीरे धीरे बढ़ी ना, क्यों दबा के रखी कांग्रेस ने इस फैक्ट को देश के सामने से कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? किसका डर था कांग्रेस पार्टी को? यही ना कि तुष्टीकरण के नाम पर धर्म निरपेक्षता को तुष्टीकरण, अपीजमेंट कर दिया, सेकुलरिज्म कन्वर्ट हो गया अपीजमेंट में, सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए। क्या भारत इस काम के लिए कि कांग्रेस का पॉलिटिकल टूल बने देश की आबादी? और हम सवाल ना खड़े करें? आप ओबीसी एससी का आरक्षण लूट कर मुसलमानों को बांटो, हम सवाल ना खड़े करें? अभी जहीर शेख साहब ने कहा, मैं सहमत हूं कि ओबीसी को आरक्षण मिलता है, पर जहीर भाई कर्नाटक में शेख सैयद मुगल पठान अपर क्लास मुस्लिम ओबीसी में, अरे थोड़ी शर्म करनी चाहिए कांग्रेस को इस तुष्टीकरण इस स्तर तक। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं, लोग हंस रहे हैं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कि शेख सैयद मुगल पठान जो सवर्ण मुस्लिम है, संपन्न मुस्लिम है, उनको ओबीसी में डाल दिया आपने। और आज कांग्रेस ओबीसी की बात करती है, काका कालेलकर से लेकर मंडल कमीशन तक ऑन पेपर, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी तक सदन के रिकॉर्ड में विरोध किया ओबीसी आरक्षण का। बीजेपी की सरकारों ने आरक्षण दिया तो आप मुसलमानों के बहाने वो छीनना चाहते हो, इसीलिए आप चुपचाप रहे 55-57 साल तक, और 15 में 14 में सरकार बीजेपी की बनी। पटेल जी, 15 के आंकड़े 24 में क्यों आए? तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि 50 से 15 तक के आंकड़े हैं, आप लोगों ने क्या छुपाया है? चार पांच बातें बड़ी अच्छी आएंगे, मैं पंकज जी की बात का पहले जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हम आबादी को देखेंगे तो जो हिंदू आबादी है वो लगभग लगभग 6% घटी है और मुस्लिम आबादी 4% घटी है, और उसको आप 45% जनता सेंस ले जाएंगे तो कुछ वो आंकड़े मिसलीडिंग जैसे लगेंगे। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक कर्नाटका के आरक्षण की बात है, 1995 से देवेगौड़ा जी लेकर आए थे और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ देवेगौड़ा जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के घटक है, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से आना चाहिए कायदे में अगर आए तो। लेकिन बिना सिर पैर के आप बात करेंगे तो वो कहां पर जाकर टिकेगी, क्योंकि मूल मुद्दों से आप अटकाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। लगातार जो अभी महामंडेश्वर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर घुसपैठ हो रही तो रुकने का काम होना चाहिए। हमारे देश के अंदर हमारे जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, उनकी आबादी घटती बढ़ती है वो अलग विषय है। मैं अगर बहुत छोटे शब्दों में तो नहीं कहना चाहता, किसी भी राजनीतिक दल ने किसी को प्रेरित तो नहीं किया ना कि आप आपकी आबादी बढ़ाइए या आपकी आप आबादी घटाइए। जो भी बात कही गई पूरे देश को एक कंबाइंड रूप में कही गई है कि अगर देश में जो आबादी है विस्फोटक स्थिति पे पहुंच रही है उसका रोकथाम करना चाहिए। वहां पे कोई धर्म का नाम तो नहीं आया था, लेकिन जिस तरीके से आप तुष्टीकरण कर रहे हैं तो आप दोष कांग्रेस को दे रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा होगा कि हिंदू की आबादी कम करो और मुस्लिमों की आबादी बढ़ा दो या अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ा दो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। मैं बड़ी अच्छी से तो शैला शनन जी ने बात कही, अगर बाहर से विदेशी लोग अगर आ रहे हैं तो रोकथाम होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप तो पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को। देखिए ये फिर गलत बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो पीछे रह गए चाहे वो कोई सी भी जाति क्यों, जो जाति क्यों, जनजाति क्यों, पिछड़ों हो, अल्पसंख्यक हो, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। अगर ये देश हमारा सबका है तो हम सबका ये बीजेपी कह रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, और कांग्रेस कह रही है कि जाति की जनगणना करवा लीजिए। लेकिन जो दक्षिण में मिल रहा है आरक्षण मुसलमानों को, क्या वो ओबीसी एससी एसटी के हक को मारकर दिया जाएगा?
देखिए पहली बात तो ये मैंने कहा ना, कर्नाटका में लागू किसने किया था 1995 में देवगौड़ा जी लेकर आए, आज एनडीए के घटक है। सवाल उन पे होना चाहिए ना, उस बात पे जवाब। पंकज जी कुछ कह रहे हैं जी, देखिए 29 साल से सर कर्नाटक में वो आरक्षण लागू है 29 साल से। अपर्णा जी, शैलेन जी गलत जानकारी दे रहे हैं। मंडल कमीशन के बाद देश भर में ओबीसी के मुसलमानों को आरक्षण है। मेरा सवाल ये, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार 4% एडिशनल रिजर्वेशन दिया ओबीसी कोटा काट के, और अब फिर दोहरा रहा हूँ, शेख सैयद मुगल पठान अपर क्लास मुस्लिम्स को ओबीसी में शामिल किया। अपर क्लास मुस्लिम्स को, ठीक है, शेख साहब का इसका रिएक्शन। देखिए कर्नाटक और केरल के अलावा मुझे भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे दोनों बड़े भाई ये बता दें कि भारत के अंदर अन्य राज्यों के अंदर मुसलमानों को कहाँ आरक्षण है? किसी भी स्टेट में, मात्र कर्नाटक और केरल को छोड़कर किसी भी स्टेट में मुसलमानों को आरक्षण नहीं है। तो भारत के मुसलमान सिर्फ कर्नाटक और केरल में ही निवास करते हैं क्या? देखिए जो जनसंख्या का बात कर रहे थे अपर का, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को अपना अपने आप को हिंदुओं का हितैषी बताना छोड़ देगी, हिंदुओं को भय के माहौल में रखना छोड़ देगी, और कांग्रेस जिस दिन मुसलमानों से जो बातें करती है उस दिन वादे निभाना शुरू कर देगी, उस दिन देश के अंदर देश के अंदर भाईचारे का माहौल कायम हो जाएगा। आखिरी मिनट है मेरे पास, सुन लीजिए मेरी बात, बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाना छोड़ देगी और कांग्रेस मुसलमानों के साथ किए गए वादों को निभाना शुरू कर देगी, लेकिन क्या हिंदू मुसलमान में ही बटकर रह जाएगा पूरा समाज? हम हिंदुस्तान की बात, मैं वही कहना चाह रहा था, आप मेरी बात को कंटिन्यू रखे उसके अंदर, जिस दिन ये भाईचारे का माहौल देश में कायम हो जाएगा उस दिन इस तरह के बेबुनियाद मुद्दों पे डिबेट होना बंद हो जाएगी। आप ही की बात को आगे कर दिया सर मैंने, हिंदुस्तान की बात कब करेंगे हम? मां मंडलेश्वर जी, जी सर देखिए हिंदुत्व जो मैं समझ गया, आपका विषय समझ गया। देखिए शेख साहब की कुछ बातों में कुछ गहराई जरूर है, किंतु वो भी कहीं ना कहीं एक तरफ से हम इस चिंतन के अंदर उलझ रहे हैं कि इस देश को हम धर्म के आधार पर बांटें या संप्रदाय के आधार पर बांटें। ये आरक्षण शब्द जब तक आता है, देखिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा इसके अंदर जब तक हम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तब तक के लिए आरक्षण उचित होता है, और उसके पश्चात के अंदर वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के विरोध में ही कार्य करता है। हमारे राष्ट्र के अंदर ये जो धार्मिक अतिक्रमणवाद जो हुआ है, अतिवाद जो हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आरक्षण भी पुनर्परिभाषित होने की आवश्यकता की श्रेणी में आ गया है, और साथ में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल जितने भी हैं ये उसका बिहाइंड जिसे बोल सकते हैं बैकडोर एंट्री के तरीके से उसका लाभ उठाते रहे, जैसे कर्नाटक केरला की बातचीत हुई है। केरला का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखिए, कर्नाटक बहुत चीजें ऐसी जिन्हें पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया, इतने समय था मेरे पास मध्य प्रदेश की महा डिबेट में अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बीच चुनाव में आबादी पर धर्म संकट खड़ा हो गया है, सियासत में एक नई बहस शुरू हो गई है, अब देखते हैं कि ये बहस तूफान लेकर आई है उसका उफान कहां तक पहुंचता है। फिलहाल महा डिबेट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।